भारतीय किसान संघ द्वारा पूरे प्रदेश में पौधारोपण करने की मुहिम चलाई हुई है, जिसके चलते पौधारोपण कर किसानों को पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में करनाल के गांव इंद्री मटक माजरे स्थित काम्बोज पैलेस में भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों को पौधे वितरित किए गए। इसी मौके पर हरियाणा व दिल्ली के संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह ने शिरकत कर अपने साथियों के साथ पौधारोपण किया व पौधे वितरित किए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की आवश्यकता है। प्रदूषण को केवल पेड़ पौधे लगाकर ही संतुलित किया जा सकता है। इस अवसर पर संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय किसान संघ द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि व्यापार संबंधित 3 अध्यादेश निकाले हैं, उसमें कुछ खामियां हैं, जिनको लेकर भारतीय किसान संघ की शुरुआत से मांग रही है। इसी के चलते हलके की 25 ग्राम समितियों में जाकर किसानों को इन अध्यादेशों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और एक मांग पत्र के माध्यम से किसानों की इन अध्यादेशों को ठीक करवाने की बात को लेकर प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री को भेजा जा रहा है, ताकि इन अध्यादेशों में जो खामियां हैं उनको ठीक करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, इसी दृष्टि से समर्थन मूल्य तय हो, ताकि किसान अपनी फसल कहीं भी बेचने को स्वतंत्र हो। क्या करिए प्रधानमंत्री? आज भारतीय किसान संघ इंद्री ब्लॉक के 8 गांव के किसान यहां एकत्रित हुए और 150 पौधे वितरण किए गए। भगवान बलराम की जयंती, कृषि देवता भगवान बलराम की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में पेड़ लगाए जा रहे हैं। 1 अगस्त से 24 अगस्त तक यह योजना, ये कार्यक्रम चल रहे हैं। दूसरा, अभी जो केंद्र सरकार ने 3 बिल पारित किए आनन फानन में, उन बिलों में बहुत सारी खामियां हैं। उसमें जो खाद्य कृषि सुरक्षा की बात की है, उसमें कृषि सुरक्षा की कहीं भी कोई गारंटी नहीं है। मंडी के बाहर जो कंपनियां आएंगी, उनमें कहीं कृषि की उपज के मूल्य की गारंटी नहीं है। दूसरा, MSP की कहीं भी गारंटी नहीं दी हुई है। तीसरा, उपभोक्ता का शोषण भी हो सकता है, वो माल को संग्रह करके स्टॉक कर करके मनमान्य रेट पर बेचेंगे, इसका भी कहीं प्रावधान नहीं है। तो किसान संघ अभी पूरे भारतवर्ष में हर ग्राम समिति से कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री को प्रस्ताव पारित कर करके भेजा जा रहा है। आज भी 8 गाँव से प्रस्ताव पारित किए गए और उसमें कृषि सुरक्षा यानी MSP की गारंटी पर खरीदारी और 54% गांव में खेतीहीन मजदूर तबका रहता है, उसको भी रोटी खानी है तो उसको भी भारी मात्रा में उसका शोषण ना हो, उसको भी 10 गुना 20 गुना रेट पर फूड ना मिले, इसलिए उसको भी 1.5 गुना से ज़्यादा रेट ना बढ़े, इसलिए महंगाई कंट्रोल की भी उसमें कहीं गारंटी नहीं है। तो ये सब मुद्दों लेकर के हमारे ये रचनात्मक आंदोलन भारतीय किसान संघ चला रहा है, उसी धारा में आज का ये माजरी में कार्यक्रम रहा। अच्छा, कुछ योजनाएं भी आ रही हैं किसानों के लिए, क्या योजना है जिससे जो अपना प्रोडक्ट है पैदा करता है खुद उसको बेच सके? अभी जो स्वयं सहायता समूह की बात आई है तो 50-60 किसानों को मिला करके 3 करोड़ का जो सरकार बजट देगी, वो अच्छी योजनाएँ हैं, पर उनका किसानों तक प्रचार प्रसार ना मात्र का है, उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से आग्रह है कि ग्राम स्तर पर उनके ADO आकर के किसानों को इन योजनाओं से लाभान्वित करें। ये लाखों करोड़ का बजट है, आने वाले समय में इसी से खरीदारी होनी है, इसी से मार्केटिंग होनी है, तो सरकार को इन योजनाओं पर ग्रामीण स्तर पर आकर के समझाने की योजना बनानी चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.